हेलो फ्रेंड्स फाउंडेशन ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करना शुरू किया था और हमने देखा था कि हमारे पास कई प्रकार के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कंडीशनल एग्जीक्यूशन लू फंक्शन इत्यादि और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का काम क्या होता है हम जब भी कभी बड़े बड़े प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हमारे पास कोई भी कार्य करने के लिए हमारे पास भिन्न भिन्न तरह की कंडीशंस होती हैं और ऐसा होता है कि जब हमारी कोई कंडीशन सही होगी तब हम यू वाला कार करेंगे और कंडीशन कुछ और होगी तो हम यू वाला कार करेंगे तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ने कंडीशनल एग्जीक्यूशन की बात करी थी और उसमें हमने इफ़ और इफ़ एल्स दो प्रकार के कंडीशनल एग्जीक्यूशन के बारे में सीखा था तो आज हम उसी अपने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास रियल लाइफ में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर हमारे पास दो से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं और उनका कार्य ये होता है कि जब वो कंडीशन ट्रू होगी तभी मुझको ये वाला कार्य करना है जैसे कि जब आप इफ़ एल्स कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास दो ही कंडीशंस होती हैं या तो आपकी कंडीशन ट्रू है तो आप कुछ करेंगे और वह कंडीशन अगर फॉल्स है तो आप ये करेंगे लेकिन अगर आपके पास कुछ और भी ऑप्शन हैं जहाँ पर आपके पास कंडीशंस और बुलती जाती हैं तो आप उसको किस प्रकार से करेंगे तो एक तरीके से हम अपने इफ़ एल्स कंडीशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो इस कार्य को हम किस प्रकार से करते हैं इसको हम आज देखने की कोशिश करेंगे और इसके साथ में हमारा एक और कंडीशनल एग्जीक्यूशन होता है जो भी हमारा इफ़ एल्स की तरह का ही होता है लेकिन उसके अंदर सुविधा होती है कि हम अपने वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के ऊपर हम ऑपरेट कर सकते हैं तो उसको भी हम इफ़ एल सी बोलते हैं लेकिन उसका हमारा पैटर्न अलग होता है उसका सिंटैक्स अलग होता है हम उसके बारे में आज बात करने की कोशिश करेंगे और इन चीज़ों को समझेंगे तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और हम इन दो कंडीशन को समझते हैं तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं इसमें हम अभी कंट्रोल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में हम फंक्शंस और लूप की भी बात करेंगे और जस्ट आपको एक रिवाइज कराने के लिए आ, कि हमने पिछले लेक्चर में इफ़ और इफ़ एल्स कंडीशन के बारे में पढ़ा पढ़ा था इफ़ कंडीशन में क्या था कि अगर हमारे पास कोई भी एक कंडीशन है और अगर वो कंडीशन हमारी सही होती है ट्रू होती है तो इसमें जो भी हमको जिन कमांड्स को एग्जीक्यूट करना है उनको हम अपने इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं और अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती तो उसमें कुछ भी नहीं होगा तो ऐसी कंडीशंस में हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन को यूज़ करते हैं और अगर हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पर हमारी कंडीशन को हम टेस्ट इत करते हैं और कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमारे पास कोई एक सेट ऑफ कोड होता है कमांड्स uh, होते हैं उनको एग्जीक्यूट करना है और अगर कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो हमारे पास एक अलग तरीके का कोड होता है जिसको हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और उसके बाद में हमारा प्रोग्राम रुक जाए ऐसा करना चाहते हैं तो हम इसको कैसे करते हैं इफ़ और पैरंथिस में हम अपनी कंडीशन लिखते हैं और उसके आगे ये कंडीशन अगर हमारी ट्रू होती है तो हम इसी के आगे करली ब्रैकेट्स में अपनी उन जो भी हमारी कंडीशन हैं कमांड्स हैं उनको लिख देते हैं और ये एग्जीक्यूट हो जाते हैं और अगर ये कंडीशन हमारी गलत होती है तो उसके लिए हम लिखते हैं एल्स और उसके आगे फिर हम करली ब्रैकेट में लिख देते हैं कि यह कंडीशन जब हमारी फॉल्स होगी तो हमारा इसका क्या एग्ज़ीक्यूशन होना है अब जरा सा हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर आपने देखा कि आपके पास खाली एक ही कंडीशन है और जहाँ पे आपके पास दो ऑप्शनस हैं कि ये कंडीशन है ट्रू या ये है फॉल्स लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास ये कंडीशन एक से ज़्यादा हो और इनके जो आउटकम हमारे ट्रू और फॉल्स ही होंगे तो उस कंडीशन में हम इसको किस प्रकार से करते हैं तो इस तरह की चीज़ों को करने के लिए हमारे पास जो इफ़ एल्स का कंडीशन होता है उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उसको हम ऐसे कहते हैं कि इफ़ एल्स इफ़ अर्थात इसका लिखने का हमारा मतलब ये है कि हम अपनी इफ़ एल्स कंडीशन को बार बार रिपीट करेंगे और हम इसको इस प्रकार से करेंगे कि जैसे आपने लिखा हुआ है इफ़ और पहले आपने लिखा था यहाँ पे एल्स तो इनके भीतर हम इस कंडीशन को बार बार यहाँ पे रिपीट करेंगे तो ये कुछ इसी तरह की बात होती है कि जैसे आपने एक किसी तले के घोसले को देखा है जिसको बोलते हैं नेस्ट अंग्रेज़ी में इस घोंसले को चिड़िया कैसे बनाती है एक के ऊपर एक के ऊपर एक कुछ वो डंडियाँ होती हैं उनको रखती जाती है इसीलिए इस तरह का जो हमारा कंडीशन होता है इसको हम बोलते हैं स्टेड इफ़ एल्स इफ़ और हम आपको यहाँ पर ये दिखाते हैं कि इस कंडीशन को हम किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं और अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि इन कंडीशंस को हमको किस प्रकार से लिखना है देन किसी भी प्रोग्रामिंग में इसको सही प्रकार से लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अब हम आपको देखिए दिखाते हैं कि हमारे पास ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन है जिनको हम देखना चाहते हैं और उसकी बेसिस पे हम अपने आउटकम को कंट्रोल करना चाहते हैं तो देखिए हमने अपने इफ़ एल्स के, के स्ट्रक्चर को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करी है तो हमने सबसे पहले लिखा इफ़ और हमारे पास कोई कंडीशन है उसका मैंने नाम दे दिया कंडीशन वन कंडीशन वन इसलिए क्योंकि आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन तो उनको हम कंडीशन वन कंडीशन टू इत्यादि करके नाम दे सकते हैं अब दो ऑप्शनस हैं या तो यह कंडीशन हमारी ट्रू होगी या फॉल्स होगी तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उसके आगे हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में अपने उन कमांड्स को लिख देते हैं जो कि यह कंडीशन वन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होंगे और अगर ये कंडीशन हमारी गलत होती है फॉल्स होती है तो हम क्या करेंगे हम इसमें से लिखेंगे एल्स और उसके आगे हम फिर से इफ़ एल्स कंडीशन को लिख देंगे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ़ और जो हमारी कंडीशन टू है वो यहाँ पे क्रॉस चेक करी जाएगी तो इस कंडीशन को हमने पैरेंथेसिस में और उसके आगे कंडीशन टू जो हमारी अगर सही होती है ट्रू होती है तो उसके बाद किन किन सिंटैक्स को कमांड्स को एक्जीक्यूट करना है उसको हम फिर से हम इसी कली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और अगर ये वाली कंडीशन हमारी अगर फॉल्स होती है तो फिर से हम यहाँ पे एल्स लिख करके हम इस कंडीशन को यहाँ पर फिर से जो भी हमारी अगली कंडीशन है उसको हम क्रॉस से करने की कोशिश करेंगे और मनी की जो हमारी अगली कंडीशन है उसका नाम मैंने दिया कंडीशन थ्री तो इसी कंडीशन थ्री को हमने फिर से पैरेंथेसिस में लिख दिया और अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो इसमें से हमको जिन कमांड्स को एग्जीक्यूट करना है उसको मैंने इसी के आगे कली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया अर्थात एग्जीक्यूट कमांड इफ कंडीशन थ्री इज़ ट्रू और यही प्रोसेस हमारी आगे बढ़ती जाएगी और सबसे अंत में जब हमारी इसमें से कोई भी कंडीशन कंडीशन वन कंडीशन टू इत्यादि कोई भी कंडीशन हमारी सही नहीं होगी तो अंततः हमको जो भी एग्जीक्यूट करना है उसको हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एल्स और फिर हम यहाँ पे कली ब्रैकेट में लिख देंगे एग्जीक्यूट कमांस इफ़ ऑल कंडीशन आर फॉल्स जो भी हमारी पहले की कंडीशन वन कंडीशन टू कंडीशन थ्री इत्यादि जब अगर सही नहीं होती हैं गलत होती हैं तो फिर जो मैंने अंत में लिखा हुआ है ये हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा राइट right. अब जरा सा हम इस चीज़ों को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि इसका देखिए स्ट्रक्चर है क्या और क्यों इसको हम इस तरीके से बोलते हैं कि इसका नाम है इफ हैल्सिफ़ आप जरा से हमारे इस काले कलर के पेन का जो कलर है उस पर ध्यान दीजिए देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है इफ़ कंडीशन और उसके साथ में मैंने यहाँ पर एक एक कंडीशन लिखी है और उसके बाद में देखिए स्क्रीन के नीचे साइड में मैंने एक, एक एल्स लिखी हुई है तो अगर आप इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर अगर आपको याद होगा तो देखिए आपने क्या किया आपने यहां पर ये शो किया ये वाला पार्ट और आप अगर इन दो जो मैंने काले रंग के पेन से आपको दिखाया है जो मैं ज्वाइन कर रहा आप इनको अगर ज्वाइन कर दोगे तो यह क्या है ये आपका इफ एल्स कंडीशन ही तो है अब आपने क्या किया इन इफ़ एल्स कंडीशन के अंदर आपने देखिए एक और ये इफ एल्स कंडीशन डाल दी है देखिए ये मैंने लाल रंग से आपको इंडिकेट किया है और इसके बाद आपने इसमें मैं देखिए आपको ब्लू कलर से रहा हूं। आपने एक और इफ कंडीशन देखी ये आपने डाल दी है तो अब आप ये देखिए कि आपने एक इफ एल्स कंडीशन के अंदर आपने कई सारी इफ एल्स कंडीशन को डाल दिया है और और यही इसका स्ट्रक्चर है जिसके कारण हम इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स इफ स्ट माने क्या होता है घोसला राइट right. तो जिस तरीके से घोसले को तैयार किया जाता है उसी प्रकार से ये हमारी कंडीशनल एग्जीक्यूशन भी हो रहा है तो अब हम एक काम करते हैं आपको उदाहरण लेकर के हम इस कंडीशनल एग्जीक्यूशन को दिखाने की कोशिश करते हैं आपको याद होगा कि आप लोगों ने इस तरह के फंक्शंस सॉल्व किए होंगे और जहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारा एफेक्स है ये हमारा एक्स माइनस वन के बराबर है एक्स अगर हमारा तीन के बराबर है और ये हमारा एक्स प्लस पाँच के बराबर है अगर हमारा एक्स तीन से छोटा है और अदरवाइज़ इसके अलावा कोई भी कंडीशन अगर है तो हमारा एक्स हमारा वैल्यू लेता है 2x इस तरह के फंक्शन में आप अगर देखोगे आपके पास यहाँ पे तीन कंडीशंस हैं तो इस तरह को हम अगर, अगर अपने इस इफ़ एल्स इफ़ के फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो हमारा कार्य बहुत आसान हो जाएगा तो यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं कि अगर आपकी एक्स की इनपुट वैल्यू आती है तीन तो आप ये चाहते हैं कि एक्स एक्स माइनस वन से रिप्लेस हो जाए अगर एक्स की वैल्यू आती है तीन से छोटी तो एक्स आपका एक्स प्लस फ़ाइव से रिप्लेस हो जाए और अगर एक्स की वैल्यू आती है तीन से बड़ी क्योंकि हमने लिखा अदरवाइज़ का क्या मतलब है या तो एक्स तीन से छोटा है या या बराबर है या उसके अलावा तीन से बड़ा होगा देन हमारा ये एक्स टू एक्स से रिप्लेस हो जाए अब देखिए हम इसको यहाँ पे प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा इफ उसके बाद में मैंने पैरेंथिस में जो अपनी कंडीशन होती है एक्स इक्ल टू थ्री अब यहाँ पर हमारा लॉजिकल इक्वलिटी आएगा एक्स इक्ल टू थ्री लिखा और फिर जो कंडीशन हमारी है उसको मैंने करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया कि अब x इक्वल टू थ्री पर हमारी कौन सी कंडीशन होनी है कि x हमारा x माइनस वन से रिप्लेस हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर यह हो गया ओके okay. अब इसके बाद में हम आगे आते हैं और हम लिखते हैं एल्स और फिर हम यहाँ से जो हमारी दूसरी कंडीशन है उसको हम लिखने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारा x हमारा तीन से छोटा है तो हमारा एक्स एक्स प्लस फाइव से रिप्लेस हो जाएगा तो हमने लिखा इफ और फिर से पैरेंथिस में लिखा x स्मॉलर देन थ्री और उसके बाद में कर ब्रैकेट में मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव तो देखिए यहाँ से ये वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट हो गया इसके बाद में हमारा थर्ड पार्ट क्या है कि अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती है तो अंततः हमको x को 2x से रिप्लेस कर दो तो मैंने कह दिया एल्स और यहाँ पे मैंने कली ब्रैकेट में लिख दिया x इज वल टू टू इन टू एक्स तो देखिए ये कार यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया अब इसका देखिए ऑपरेशन किस प्रकार से होगा कि आपने यहाँ पर एक वैल्यू आपने दी x इक्वल टू फाइव तो ऐप इसने क्या कह दिया x इक्ल फाइव लिया और उसने पहली कंडीशन को चेक किया क्या फ़ाइव हमारा तीन के बराबर है देखिए यहाँ पर इसने यहाँ पे चेक किया पांच क्या हमारा तीन के बराबर है और उत्तर आया फॉल्स तो ये क्या कर दिया इसने ये यहां से उठ करके जो अगली कंडीशन है वहां पर आ गया और अगली कंडीशन की क्या है एक्स स्मॉलर देन थ्री तो इसने यहां पे चेक करने की कोशिश करी क्या पांच तीन से छोटा है ये कंडीशन भी उसकी गलत हो गई फॉल्स तो अब ये कंट्रोल हमारा उठ करके उसने कहा कि जब ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई हैं तो कंडीशन उठ करके हमारा आगे आ गया और उसने कहा कि x इक्ल टू टू एक्स अर्थात यहाँ पे जो भी कुछ कंडीशन है आप उसमें x को दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका उत्तर क्या जाएगा? 2 into 5 is 10. तो आ जाएगा टू इंटू फाइव इज़ टेन देखिए आपकी वैल्यू आ गई टेन तो आपने देखा कि इस प्रकार से हमारा ये इफ़ एल्स इफ़ वाला जो कंडीशनल एग्जीक्यूशन है उसका हमारा इस्तेमाल होता है ना इसी में हम आपको अब एक और उदाहरण लेते हैं और हम एक और वैल्यू लेकर के इसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए अब मैंने लिया एक की वैल्यू मैंने ले ली दो अब ये हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है और यहाँ पे चेक करता है कि क्या दो तीन के बराबर है उत्तर आता है फॉल्स तो ये फॉल्स क्या करेगा अब ये करके जो भी हमारा अगला कंडीशन है वहाँ पर आ जाएगा और अगली कंडीशन हमारी क्या है एक्स लेस देन थ्री तो ये चेक करेगा टू लेस देन थ्री उत्तर आता है ट्रू अभी आगे नहीं जाएगा और ये यहीं पर रुक जाएगा और जो भी यहां पर करली ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखी है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव इसको ये एग्जीक्यूट कर देगा और कर देगा दो और कर देगा प्लस पांच और इसका उत्तर आ जाएगा सात देखिए ये उत्तर आ गया राइट right. उसी प्रकार से अगर हम इसी उदाहरण को एक और वैल्यू लेते हैं एक्स इक्ल टू तीन वहां पर एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए क्या होगा एक्स की वैल्यू यहाँ पर आगे आती है और इसने कहा किसने कहा एक्स की जगह रखा तीन अब क्या तीन तीन के बराबर है उत्तर आता है ट्रू यस yes, बराबर है तो ये सबसे पहले उठ करके जो भी इसके आगे कली ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन यहाँ पर आ जाएगा और ये एक्स की जगह पुट कर देगा तीन और हो जाएगा तीन माइनस एक और उत्तर मिल जाएगा आपको दो देखिए तो आपने देखा कि ये जो हमारा कंडीशनल uh, एग्जीक्यूशन है इसको करना बहुत ही आसान काम है और अगर एक बार आप इसकी भाषा को समझ लेंगे आप अगर कि किस प्रकार से इसका प्रोग्रामिंग लिखी जाती है तो तो बिना किसी कन्फ्यूजन के आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे तो चलिए अब हम आपको इसी एग्जीक्यूशन को आर सॉफ़्टवेयर में करके दिखाते हैं मैंने इस कमांड को कॉपी कर लिया है अब यहाँ पर लीजिए हम एक्स की वैल्यू लेते हैं नौ राइट अब तो सबसे देखिए हम इसी कमांड को यूज़ करते हैं अब इसके बाद दे देखें हमारी की एक्स की वैल्यू क्या आई तो देखिए कितनी हो गई एट्टीन क्यों आपने लिया यहाँ पर एक्स इक्ल टू नाइन तो नाइन तीन के बराबर नहीं है नाइन तीन से छोटा भी नहीं है तो नाइन क्या हो गया टू इंटू नाइन अट्ठारह यह आपको मिल गया अब इसमें चलिए हम एक और एक्स की वैल्यू लेते हैं मैंने ले लिया एक्स इक्ल टू टू और यहाँ पे हमने इसी प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट किया तो देखिए एक्स की वैल्यू क्या आ गई सेवन क्यों आपने लिया x इक्ल टू टू तो x इक्ल टू थ्री गलत हो गया अब आपने कहा टू लेस देन थ्री ये तो कंडीशन हमारी सही हो गई और जब सही हो गई तो उसने x इक्वल टू एक्स प्लस फाइव को एग्जीक्यूट कर दिया और उसने इसको दो प्लस पाँच करके आपको उत्तर दे दिया साथ उसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे x की वैल्यू ले ली तीन और फिर से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो देखिए x की वैल्यू क्या आ गई टू क्यों x इक्ल टू थ्री तो ये प्रोग्राम आ गया इसने कहा कि क्या तीन तीन के बराबर है उत्तर आया हाँ और उसने इस कर ली ब्रैकेट में ये जो भी वैल्यू लिखी थी उसको एग्जीक्यूट कर दिया तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स इक्ल टू एक्स तो माइनस वन तो इसने कर लिया थ्री माइनस वन और उत्तर आपको मिल गया दो तो आपने देखा कि इस कमांड को आर सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट करना बहुत ही आसान काम है अब हम आपको एक और हमारा कंडीशनल एग्जीक्यूशन है उसके बारे में बताना चाहेंगे इसको भी हम इफ़ एल कहते हैं अब आप अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो मैंने पहले लिखा था इफ़ एल्स वो कुछ ऐसे लिखा था इफ़ उसके बाद में एक ब्लैंक स्पेस दी थी और फिर लिखा था एल्स लेकिन यहाँ पर जो इफ़ एल्स लिखा हुआ है यह आई एफ ई एल एस ई एक साथ लिखा हुआ है और इसके बीच में कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं है और यह लोअर केस अल्फाबेट्स में लिखा गया है तो ये जो हमारा इफ़ एल्स होता है इसमें और पहले वाले जो भी हमारे एल्स कमांड थे उनमें क्या अंतर है आपको मैंने पहले बताया था कि जब हम इफ़ या एल्स या इफ एल्स इफ़ की बात कर रहे थे तो वह कंडीशनल एग्जीक्यूशन हमारे कार्य करते हैं जब हमारी कंडीशन वेक्टर वैल्यू नहीं होती हैं राइट अर्थात कंडीशनस हमारी खाली एक ही वैल्यू के ऊपर एग्जीक्यूट होती हैं अगर हम उन्हीं कंडीशन को एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के ऊपर एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो किस प्रकार से किया जाए तो ये एक बहुत ख़ास अंतर है इस वाले कंडीशनल कंडिशनल एग्जीक्यूशन में जो है आई एफ ई एल एस सी और जो पहले वाला कंडीशनल एग्जीक्यूशन था इफ़ एल्स तो यहाँ पर देखिए हमारा इस तरह के कंडीशनल एग्जीक्यूशन को यूज़ करने का कर इंटैक्स होता है कि सबसे पहले आपने लिखा इफ़ एल्स और इसमें कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं आएगा आपको ध्यान रखना है कि मैं जब इसको मुंह से बोलूंगा तो दोनों को मैं इफ़ेल्स ही बोल रहा हूं। अब इसको कायदे से हमको इफ़ेल्स बोलना चाहिए था लेकिन वो बोलना ठीक नहीं लगता है लेकिन आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मैं किस इफ़ेल्स की बात कर रहा हूँ देखिए तो सबसे पहले आपने लिखा इफ़ेल्स उसके बाद में आपने जो कंडीशन है जिसको आप कैस करना चाहते हैं ये आपने लिखी अब यह कंडीशन अगर हमारी ट्रू होगी तो आगे इसके आगे जो भी आपने लिखा है यहाँ पे करके यस yes, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और अगर ये कंडीशन हमारी गलत होगी तो ये जो कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है नो no, ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा इसको अभी जब हम आपको धारण के थ्रू समझाएंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा तो आपने देखा कि इस एफ एल्स का बहुत बड़ा एडवांटेज ये क्या है कि ये हमारी जो भी कंडीशन हमारी जब वैक्टर वैल्यूड होती हैं उसके अंदर हमारी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं तो उसमें यहाँ पर बहुत आसानी से काम करेगा और जो भी हमारा टेस्ट के अंदर ये लिखा हुआ है टेस्ट यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स को हम लॉजिकल एक्सप्रेशन से टेस्ट करेंगे अगर उसका उत्तर आता है ट्रू तो जो भी मैंने यस yes के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और अगर ये आता है फॉल्स तो जो हमने नो no के अंदर में लिखा हुआ है वह कमांड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो चलिए हम इसको एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं उससे ये है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा अब हमने देखिए यहाँ पे एक उदाहरण लिया है जहाँ पर मैंने एक्स की वैल्यू ले ली है एक से दस तक की संख्याएँ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और हमारी कंडीशन क्या है ये हमारा फंक्शन कुछ ऐसा है मैंने लिखा एफ एक्स इक्वल टू से एक्स स्क्वायर कि अगर हमारा एक्स वैल्यू लेता है एक्स वन टू थ्री फोर फाइव या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स लेस देन सिक्स और या ये वैल्यू अगर हमारी इसके अलावा कोई भी वैल्यू अगर होगी अर्थात कि अगर अगर हमारा होगा x इक्वल टू सिक्स सेवन एट नाइन टेन या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू सिक्स तो ये हमारा वैल्यू ले लेगा एक्स प्लस वन तो ये हमारा देखिए फंक्शन है जिसको हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो इसको देखिए मैंने कैसे लिख दिया मैंने लिखा इफ़ एल्स आई एफ ई एल एस ई कोई भी इसमें ब्लैंक स्पेस नहीं दिए मैंने और फिर मैंने अपनी लिखी कंडीशन x लेस देन सिक्स और उसके बाद में कर दिया कि अगर ये कंडीशन हमारी सही होती है ट्रू होती है तो यह x की वैल्यू हमारी स्क्वायर हो जाएगी और यह कंडीशन अगर हमारी फॉल्स होती है तो यह वैल्यू हमारी x प्लस वन हो जाएगी तो अब यह देखिए किस प्रकार से कार्य करेगा यह जो हमारा कंट्रोल है ये x के अंदर आएगा और इसकी जो पहली वैल्यू है x इक्वल टू वन ये इसको ले लेगा x इक्वल टू वन को लेने के बाद ये ये टेस्ट करेगा क्या वन छः से छोटा है उत्तर आता है आपका ट्रू ये सही है तो ये क्या करेगा जब ये उत्तर सही है तो ये वन को वन स्क्वायर कर देगा और आपको उत्तर मिल जाएगा वन अब इसके बाद में ये जो एक्स के अंदर दूसरी वैल्यू ली है ये वहाँ पर आएगा और ये लेगा एक्स इक्ल टू टू और ये फिर से ट्रेस करेगा क्या दो छः से छोटा है उत्तर आएगा ट्रू और फिर ये यहाँ पे इसको स्क्वायर कर देगा एक्स स्क्वायर टू स्क्वायर तो आपको उत्तर मिल जाएगा चार उसके बाद फिर ये जो भी एक्स की अगली वैल्यू दी हुई है एक्स इक्ल टू तीन यहाँ पर आएगा और ये फिर से चेक करेगा थ्री इज़ लेस देन सिक्स उत्तर आता है ट्रू और फिर ये आपको उत्तर दे देगा थ्री स्क्वायर इक्वल टू नाइन और उसी तरीके से ये आपका आगे बढ़ता जाएगा और फिर ये अगर मान लीजिए हम एक वैल्यू लेते हैं यहाँ पर सपोज आठ तो अगर ये यहाँ पर ले लेगा एक्स इक्ल टू आठ तो ये कंडीशन चेक करेगा क्या आठ हमारा छः से छोटा है उत्तर आता है फॉल्स जब फॉल्स आता है तो ये यहाँ पर क्या कर देगा x प्लस वन अर्थात एट प्लस वन और उत्तर आपको देगा ये नौ और उसके बाद उसी तरीके से ये x इक्ल टू फिर नाइन पर ये काम करेगा और ये चेक करेगा कि क्या नौ हमारा छः से छोटा है उत्तर आएगा फॉल्स और ये आपको उत्तर दे देगा नौ प्लस वन इक्वल टू दस और उसी तरीके से ये x इक्वल टू टेन पर ऑपरेट करेगा ये कहेगा दस क्या छः से छोटा होता है उत्तर आएगा फॉल्स और आपको ये यहाँ पर टेन प्लस वन करके एलेवन दे देगा तो देखिए आपने यही काम तो किया यहाँ पे कि अगर आपका x अगर 6 से छोटा है तो आपका x इक्ल टू तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अगर 6 से ज़्यादा है तो ये आपका x इक्ल टू तो एक्स प्लस वन हो जाएगा और देखिए यही आउटकम तो आपको यहाँ पे मिल रहा है जो आपने अभी मैनुअली निकाला है राइट देखिए यही तो आउटकम है तो आपने देखा कि जब भी हम इस तरह का कार्य कर रहे हैं और अगर हमारे पास वेक्टर वैल्यूड हैं तो उनको यहाँ पर ऑपरेट करना बहुत आसान हो गया है और ये देखिए इसका स्क्रीन है तो चलिए हम इस ऑपरेशन को करके आपको पहले अपने सॉफ्टवेयर में दिखा देते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए और उसके बाद में हम एक और उदाहरण लेते हैं तो देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पर मैंने ले ली एक से दस तक की तो ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई फिर आपने उस कंडीशन को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो देखिए आपका क्या आ गया एक से पाँच तक की वैल्यू जो आपकी छः से कम थी ये सारी की सारी वैल्यू आपकी स्क्वायर हो गई और जो छः से बड़ी वैल्यू थी छः सात आठ है नौ दस ये देखिए आपकी एक्स प्लस वन हो गया और आपको ये आउटकम मिल गया और उसी तरीके से आप अगर यहाँ पे कुछ और भी वैल्यू आप अगर लेना चाहेंगे तो भी आप उसको आराम से ले सकते हैं तो आपने देखा कि आर सॉफ्टवेयर में इसको एग्जीक्यूट करना बहुत ही आसान काम था अब हम यहाँ पर आपको एक और उदाहरण लेते हैं और इस उदाहरण में हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि हमको कोई संख्या दी गई है और हम यह पता करना चाहते हैं कि वह संख्या हमारी क्या है ऑड नंबर है अर्थात विषम संख्या है या इवेंट नंबर है इवेंट नंबर का मतलब कम संख्या है अब इस कार्य को किस प्रकार से किया जाए आप देखिए जब भी आप कभी किसी कार को करेंगे उसका प्रोग्राम लिखना पड़ेगा और प्रोग्राम लिखने के पहले आपको उसका लॉजिक लिखना पड़ेगा उस लॉजिक में क्या है कि किस प्रकार से इस बात का फैसला किया जाए कि कोई संख्या हमारी आउट या इवन हो सकती है तो आपको यह पता है कि अगर हम उस संख्या को अगर हम दो से भाग देते हैं और उसका रिमाइंडर अगर हमारा शून्य आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि वह संख्या हमारी नंबर है और अगर हमारा रिमाइंडर आ जाता है तो इसका मतलब है कि वह संख्या हमारी ऑड नंबर है तो अब यह कैसे पता किया जाए कि किसी संख्या को दो से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर जीरो आ रहा है कि वन आ रहा है तो इसके लिए आपको याद है आपने मॉडुलो डिवीजन किया था जिसको आपने इस सिंबल से दो परसेंटेज के साइन से इंडिकेट किया था आर सॉफ्टवेयर में इसमें क्या होता है कि ये हमारे ए, किसी नंबर को किसी नंबर से भाग देता है और अंत में देखता है कि उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है तो अब अगर हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को लिखते हैं और अगर हम कोई भी अपना नंबर देते हैं एक्स और यहाँ पर लिखे हम इफ़ एल्स अगर हमने इस नंबर को दो से मॉडलो डिवीज़न किया है और इसका जो रिमेंडर है हमारा एग्जैक्टली exactly ज़ीरो के बराबर आ जाता है इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा इवन नंबर होगा तो ये कंडीशन जब हमारी ट्रू होती है तो मैंने लिख दिया एक्स मॉडलो डिवीजन टू इक्वल टू ज़ीरो और ये कंडीशन हो गई ट्रू तो हमारा उत्तर आ जाना चाहिए इवन नंबर और अगर ये कंडीशन हमारी गलत हो जाती है फॉल्स हो जाती है तो ये हमारा टाइप कर देगा आट नंबर तो अब अगर ये समझिए कि कि अगर हमको इसी कार्य को हम इफ़ेल्स के अंदर भी कर सकते थे लेकिन यहाँ पर हमने उसको एक ही लाइन में लिख दिया अब हम आपको एक उदाहरण लेते हैं और बताते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करेगा तो देखिए यहाँ पर हमने एक अब डेटा वैक्टर ले लिया जिसके अंदर हमारे पास चार वैल्यू हैं सात नौ आठ और चार अब इसके ऊपर ये देखिए ऑपरेशन कैसे होगा सबसे पहले हमारा कंट्रोल कार्य करेगा ये जो एक्स में पहली वैल्यू है सात उसको लेगा और साथ को ये दो से मॉडलो डिवीज़न करेगा और उसके बाद में यह चेक करेगा कि इसका जो रिमाइंडर हमारा शून्य आ रहा है तो देखिए हम इसको करके दिखाते हैं आपको मैंने लिया x इक्ल टू सेवन और सेवन को इसने दो से डिवाइड किया और उसके बाद में उसने देखा कि जो रिमाइंडर है क्या हमारा ज़ीरो आ रहा है तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा वन तो क्या ये ज़ीरो के बराबर है आंसर आ गया फॉल्स और जब ये फॉल्स आ गया तो ये यहाँ पे दिखा देगा कि ये नंबर ऑड है जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बाद ये जो भी आपका आप अगला नंबर है उसको ये लेगा x इक्ल टू नाइन और फिर ये नाइन को दो से डिवाइड करेगा उसका रिमाइंडर देखेगा इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा वन तो क्या ये हमारा एग्जैक्टली exactly जीरो के बराबर है उतना आ जाएगा फॉल्स और फिर से ये आपको प्रिंट कर देगा कि ऑड नंबर इसके बाद में अब ये जो भी अगला नंबर हमारा है एक्सिकल टू आठ यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर लेगा कि ये आठ को दो से भाग देगा और देखेगा कि इसका जो रिमाइंडर है क्या आ रहा है इसका रिमाइंडर देखिए कितना आएगा शून्य अगर हम यहाँ पर देखें अगर हम ये क्या हमारा शून्य शून्य के बराबर है उत्तर आता है और जब ये कंडीशन हमारी ट्रू है तो यहाँ पे इसको प्रिंट करना है ईवेट नंबर तो ये यहाँ पर इवेंट को प्रिंट कर देगा और उसके बाद फाइनली जो आपका अंतिम संख्या है चार इसको ले लेगा एक्स इक्वल टू चार और ये चार को दो से डिवाइड कर देगा और देखेगा कि इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है ये आ जाएगा ज़ीरो तो क्या जीरो हमारा जीरो के बराबर होता है आंसर है ट्रू और ये टाइप कर देगा इवन तो देखिए यहाँ पे आपको यही तो उत्तर मिल रहा है ऑड नंबर ऑड नंबर इवन नंबर इवन नंबर राइट तो उसने क्या किया इसने सेवन और नाइन के लिए लिख दिया ऑड नंबर और एट और फोर के लिए उसने लिख दिया इवेंट नंबर राइट तो आपने देखा कि इसको ऑपरेट करना बहुत आसान काम था और देखिए ये इसका स्क्रीन है तो अब हम आपको इसी कार को जरा सा आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं और दिखाते हैं कि ये कितनी आसानी से कार्य करता है तो अब देखिए यहाँ पर मैंने एक एक्स डेटा वेक्टर ले लिया चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं वन टू थ्री फोर और यहाँ पे हम इस कमान को एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए क्या गया वन और टू आपका क्या है वन है आपका ऑड नंबर और टू क्या है आपका इवेंट नंबर थ्री फोर में थ्री आपका ऑड नंबर और फोर आपका इवेंट नंबर अब इसके अलावा आप अगर कुछ और भी नंबर अगर लेना चाहें जैसे हम कर दें कि आप हंड्रेड के लेकर के आप हंड्रेड टें वैल्यू लेते हैं तो फिर से आप इस कंडीशन को दिखाएंगे तो देखिए इसने आपको बता दिया कि आपका जो हंड्रेड है वो आपका इवन नंबर हो गया देखिए एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे तो जो पहली वैल्यू है हंड्रेड ये इवन नंबर हो गया दूसरी वैल्यू है हंड्रेड वन ये और नंबर हो गया और इसी सीक्वेंस में आपको रिजल्ट मिलता जाएगा तो चलिए अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं और आपने देखा कि हमने यहाँ पर भिन्न भिन्न तरीके के जो भी कंडीशनल एग्जीक्यूशन हैं उनको करने की बात करी है और आपको उनके बीच में किस प्रकार के अंतर होते हैं इसके बारे में भी पता चल गया जैसे कि आपने जब इफ़ एल्स इफ़ की बात करी है तो इसके अंदर आप जो वैक्टर वैल्यूज़ को इंटरटेन कर सकते हैं लेकिन बाकी इफ़ एल्स कंडीशन में और इफ़ कंडीशन में आप आप स्केलर वैल्यू को इंटरटेन करेंगे उसके अलावा उससे बड़ा एक सवाल आता है कि जब भी आप कभी कोई कार करने जाएंगे उसमें आपको जो भी प्रोग्रामिंग करनी है उसमें आपको इन सारे सारे कंडीशनल एग्जीक्यूशन में से कौन सा कमान यूज करना है यह फैसला आपका होगा और यह फैसला आप किस प्रकार से करेंगे पहली बात तो यह है कि आपको इन सारे कमांड्स का ऑपरेशन मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार से कार्य करते हैं और दूसरा हम एक अच्छा प्रोग्राम लिखने के लिए हम अपने प्रोग्राम की लंबाई कम से कम रखना चाहते हैं कि वही कार्य अगर हम एक छोटे से प्रोग्राम में कर सकें तो उसको हम अच्छा प्रोग्राम मानते हैं तो अब इन सारे सारे कंडीशनल एग्जीक्यूशन से आपको किस प्रकार का आपको कार्य करना है उसके अनुसार आपको किन कंडीशनल एग्जीक्यूशन के कमांड को इस्तेमाल करना है यह फ़ैसला आपका है और ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये अच्छे से समझ में आएगा लेकिन ये मैं आपको ज़रूर एश्योर कर सकता हूँ जब भी कभी हम स्टैटिस्टिक्स में मैथमेटिक्स में हम इस तरह की प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमको इनका बहुत इस्तेमाल पड़ता है ऐसे उदाहरण के लिए अगर हम कोई एक अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं उसका कुछ आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट हमारा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है और उसके आगे जो उसके आउटपुट से हमको उसका अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो हम स्क्वायर रूट तभी तो निकालेंगे जब वो आउटपुट हमारा पॉजिटिव है अगर निगेटिव है तो वो वो हमको एरर देगा तो हम वहाँ पे इस तरह की कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर हमारा आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है देन आप स्क्वायर रूट निकालिए और अगर आपका आउटपुट नगेटिव आ रहा है तो आप प्रिंट कर दीजिए कि ये यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है और या हमारा आउटपुट निगेटिव आया है तो आप इसी तरह के भिन्न भिन्न उदाहरण लेकर के प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए और सोचिए कि ये कार्य करने के लिए आपको कौन सा लॉजिक चाहिए और उसके अनुसार आपका क्या आउटकम आना चाहिए और जब हम उसको आर में करते हैं तो क्या हम उसको वही आउटकम दे रहा है और जब ये दोनों मेल कर जाएंगे इसका मतलब कि आपको इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो आप प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले टेंथ पर कुछ और कमांड्स के साथ में मिलने फिर से आएंगे तब तक के लिए गुड बाय